Actually, we were discussing about different types of quantitative research. So, now we discuss about the correlational research. Correlational research can be researcher do variables get me on a statistical relationship to understand that researcher do variables get me on understand the relationship between two variables. ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल आपको इसकी देता हूँ. जैसे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी. सो एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी दीज आर द टू वेरिएबल, एंड इफ यू फाइंड द रिलेशनशिप अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल, तो ये कौन सी रिसर्च होगी? कोरिलेशनल रिसर्च. इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, तो ये भी एक कोरिलेशनल रिसर्च है. Relationship between money and happiness, that's also, there is also a relationship, so that is also correlational research. So going to hospital is correlated with time. कि जो hospital जाते हैं कि जो है लोग hospital जाएंगे उनकी death हो सकती है. That's also, there is also research correlationship between going to hospital is also correlated with time. Skipping breakfast can lead to a heart attack. So it's also relationship. So अगर आप इन दो variables के दरमियान relationship find करेंगे, तो ये कौन सी research होगी? Correlational research होगी. So correlation research अगर हम types की बात करें, तो इसकी तीन types है. ये positive correlation हो सकता है, negative correlation हो सकती है, no correlation भी हो सकता है. Correct, positive correlation means कि अगर एक variable के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल भी बढ़े, लाइक अगर वन वेरिएबल लीड टू इंक्रीज इन अदर वेरिएबल, दैट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड डिक्रीज इन वन वेरिएबल लीड टू डिक्रीज इन अदर वेरिएबल, इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन. तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़े, या एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी कम हो, तो दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे अगर हम एग्जाम्पल इसकी लें, तो लाइक आप ये कह रहे हैं कि देयर इज अ एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी. अगर आप एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो ओबेसिटी कम होगी, तो दैट इज पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव? इट्स अ नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है. लाइक अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो लंग कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, तो एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम हो, दैट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. जैसे कि हमने अभी इसकी एग्जाम्पल दी, ओबेसिटी एंड वेट लॉस, एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी, नो कोरिलेशन. तो कुछ वेरिएबल्स अगर आप एक वेरिएबल चेंज करें तो दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज ना आए, दैट इज अ नो कोरिलेशन. तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होंगे दो वेरिएबल के दरमियान, जिनके दरमियान भी ऐसा बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे जिनमें कोई आप कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो नो कोरिलेशन भी हो सकता है. तो जब आप कोरिलेशनल रिसर्च करते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च कैन बी पॉजिटिव कोरिलेशन, कैन बी नेगेटिव कोरिलेशन, कैन बी नो कोरिलेशन. एंड इसके साथ हम एक और चीज भी फाइंड करते हैं, वी आल्सो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन. हम कोरिलेशन स्ट्रेंथ भी फाइंड करते हैं. ठीक है, दो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो आपका कोरिलेशन है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या फिर वीक रिलेशनशिप है? वी आल्सो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल in the correlation research. A good research type that is the causal comparative research. Iske andar the causal comparative research ke andar researchers jo hai that finds cause of one or more problems. That is from the name causal, we find the cause of one or more problems. Like problem X ki wajah se, like X ki wajah se problem hua Y. So Y ke andar change aa raha hai due to X.
वाई कौन सा वेरिएबल हुआ, वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो एक्स की वजह से वाई के अंदर चेंज आ रहा है, तो वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम इसी कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ओके, द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन सेल्स, दैट्स एन एग्जांपल कि आपके अगर सेल एडवर्टाइजमेंट आप बढ़ा रहे हैं, अगर आप एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज बढ़ा रहे हैं तो उससे सेल भी बढ़ेगी, तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल। बट यहाँ पे ये है कि अगर दैट जो सेल है, सेल कौन सा वेरिएबल है, दैट इज द एडवर्टाइजमेंट की वजह से सेल बढ़ रही है, सेल में चेंज आ रही है ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, चेंज इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एडवर्टाइजमेंट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एडवर्टाइजमेंट की वजह से सेल में चेंज आ रही है, सो दैट इज से एडवर्टाइजमेंट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेल इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और एग्जांपल के इफेक्ट ऑफ जंक फूड एडवर्टाइजमेंट एंड फास्ट फूड कंजप्शन, कि अगर जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगी तो फास्ट फूड की कंजप्शन भी इंक्रीज होगी, सो दैट इज ऑल्सो, तो आपकी जो है फास्ट फूड कंजप्शन जो बच्चों में बढ़ रही है, उसकी मेन कॉज वजह क्या है, कि जंक फूड एडवर्टाइजमेंट है, तो फास्ट फूड कंजप्शन जो है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज डिपेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ जंक फूड, दिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एक और अहम बात जो कॉज कॉज कंपैरेटिव रिसर्च में है, दैट इज हमें यहाँ पे जो मीन्स बहुत जरूरी है डिस्कस करना, बिटवीन द पॉपुलेशन एंड कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, दैट कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, कि अगर कोई दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी कॉज भी होगी। जैसा कि अभी हम ये जो वेरिएबल जो देख रहे हैं कि गोइंग टू हॉस्पिटल इज कोरिलेटेड विद डाइंग, कि हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ये इसके अंदर रिलेशनशिप जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हर कोई जो हॉस्पिटल में जाता है उसकी डेथ हो जाती है, सारे लोगों की, तो जिन लोगों की डेथ होती है वो हॉस्पिटल जाने से ही होती है, उसकी और बहुत वजूहत होती है। तो अगर दो रिलेशनशिप वेरिएबल्स में अगर कोरिलेशन है तो लाजमी नहीं है कि उस वजह से ही उनकी डेथ हो रही है। लाइक सो एक और एग्जांपल है, स्किपिंग ब्रेकफास्ट लीड टू अर्ली डेथ, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उससे आपकी डेथ जल्दी हो जाती है। अब इनके दरमियान कोरिलेशन नहीं है, बट कोरिलेशन है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इनके दरमियान कॉजेशन भी है, हो सकता है कि जो डेथ हुई हो किसी और वजह से हुई हो, अर्ली डेथ हुई है किसी और वजह से हुई हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन है तो उनमें कॉजेशन भी हो। सो दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि उनमें कॉजेशन भी हो, हर वेरिएबल में कॉजेशन नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ठीक है, और मेजर करता है एंड देन मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एग्जांपल इसके लेते हैं कि कोई एक पेशेंट है, ठीक है, आपने उसको इंटरवेंशन प्रोवाइड की, सो दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप इस इंटरवेंशन के अंदर
इंटरवेंशन को मैनिपुलेट करते हैं एंड देन मेजर द दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल देन मेजर द आउटकम इन द पेशेंट दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. एक पेशेंट है मिसाल के तौर पे आपको स्लाइड विजिबल नहीं है ये वाली मैं तो इंटरेस्टेड ओके आई थिंक अभी आपको सबको विजिबल हो गई होगी. ओके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर हम बात करें इसके अंदर हम एक डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करते हैं एंड देन मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल. लाइक हमने बात की कि हम जो है एक पेशेंट है उसको आप इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इंटरवेंशन को मैनिपुलेट करें इंटरवेंशन के अंदर ट्रेनिंग लेके आएंगे इन पेशेंट के आउटकम को देखेंगे तो आप इंटर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं और पेशेंट का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो पेशेंट है उसके अंदर आउटकम को मेजर कर रहे हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमारे पास पेशेंट है हमने उसको इंटरवेंशन दी डाइट्री इंटरवेंशन भी दी और साथ में हमने उसको फिजिकल थेरापी भी प्रोवाइड की. ठीक है इससे क्या हुआ अब ये आपने इंटरवेंशन मैनिपुलेट की एंड देन आपने पेशेंट का क्या किया दैट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारी हमने इसके मैनिपुलेशन की इंटरवेंशन में चेंजिंग लेके आए एंड देन हमने ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेशेंट है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर हमने इसके चेक किया उसका क्या आउटकम आया देन हमने इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हुए मैनिपुलेट किया और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने मेजर किया. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इस कंट्रोल एस्पेक्ट पर रिसर्चर जो है इसको चेंज कर सकता है करता है दैट्स कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर व्हाइल डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड बाय रिसर्चर. ठीक है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंट्रोल कर रहा है रिसर्चर और मेजर कर रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मेजर कर रहा है. ठीक हो गया इन दिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेजर द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कि आप कोई ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं पेशेंट को उसका इफेक्ट क्या है कितना कितनी अफेक्टिव है वो ट्रीटमेंट. ओके सैंपलिंग मेथड्स there are two types of mean types of sampling method that can be probability sampling that is non probability sampling mean ke that can be random sampling that can be non random sampling so the probability are random sampling in probability sampling har individual ka selection ka equal chance hota hai usko wo select ho so each individual has an equal chance to be selected in the probability sampling. While in the non-probability sampling, actually this that it's not each individual does not have equal chance to be selected. In which in the audience select ki jati that is on the base of either depending on the researcher ki wo convenience that can be convenient sampling. So wo apni asani ke taur pe jo bhi usko easily data milta hai us base pe wo selection kar leta hai ya phir एक्सपीरियंस के बेस पे सिलेक्शन कर लेता है जैसे कि अगर कोई रिसर्चर है उसको उसका पिछले एक्सपीरियंस है कि ये जो सैंपल है अगर मैं अपनी रिसर्च में इस तरह का सैंपल लूंगा तो ये मेरे रिसर्च में ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सैंपलिंग कर लेगा या फिर और जजमेंट ऑफ द रिसर्चर या फिर रिसर्चर जज करेगा कि ये जो सैंपल है ये मेरे रिसर्च के सूटेबल रहेगा तो वो उसको ले लेगा. तो दैट इज द नॉन रैंडम सैंपलिंग दैट इज डिपेंडिंग ऑन द रिसर्चर. So this type of sampling is a non-probability sampling. So, हम इन सब की टाइप जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे.
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है, एंड देन सिस्टमैटिक सैंपलिंग. दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. सो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इन सिंपल रैंडम सैंपलिंग हर इंडिविजुअल का इक्वल चांस है. जैसे कि आपने जो है 1000 लोगों को ले लिया, तो उसमें 1000 लोगों में से आपने 50 सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. आपके पास पॉपुलेशन जो है वो 1000 लोगों की है, आपने उसमें से सैंपल जो है 50 लोगों का लेना है. लेकिन आपने क्या करना है, रैंडमली सिलेक्ट करना है. हर इंडिविजुअल का इक्वल चांस होगा टू बी सिलेक्टेड. सपोज आपने लकी ड्रा के जरिए जो है आपके पास लिस्ट आ गई 1000 लोगों की, आपने लकी ड्रा के जरिए 50 लोगों को सिलेक्ट कर लिया. सो दैट इज अ रैंडम सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. सो दिस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में आप पॉपुलेशन को सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आप उसको क्लासिफाई कर लेते हैं. लाइक आपने जो है मेल्स को अलग कर लिया जेंडर की बेस पे, मेल्स को सेपरेट कर दिया, फीमेल्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है. मिसाल के तौर पे आपने कहा कि एक जो है कॉलेज है उसका बॉयज कैंपस है और एक गर्ल्स कैंपस है. तो अपने बॉयज कैंपस से आपने कहा कि 40% लोग जो है ना बॉयज ले रहे हैं, 40% जो है ओनली 10% जो है वो फीमेल्स ले रहे हैं. तो दैट इज द, लेकिन उसके दरमियान जो सिलेक्शन है दैट इज बेस्ड रैंडम. कि आपने दोनों ग्रुप्स में सर्टन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन जो आप सिलेक्शन करेंगे वो रैंडमली ही है. तो आप इस ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, ना सिर्फ आप जेंडर की बेस पे, आप एज की बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं. डिफरेंट एज जो है अगर इसकी अगर इतनी है तो आप जो है सपोज आपने 50 साल से ज़्यादा लोगों का डाटा ले रहे हैं तो आप 50 साल से ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आपने जो है इस तरह कर लेंगे 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लेंगे, देन मेल को अलग कर देंगे, फीमेल को अलग कर देंगे, देन उनमें से आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू डाटा ले लेंगे. So that is the stratified random sampling. इसके अंदर आप पहले population को आप groups में divide कर रहे हैं depending on the certain characteristics, and then उधर से आप randomly data select कर रहे हैं. There is a cluster sampling. Cluster sampling जो है इसके अंदर जो है आप करते हैं, आप जो है एक population से आप लोगों को आवाज का इशू आ रहा था, वो हम डिस्कस कर रहे थे क्लस्टर सैंपलिंग को. तो क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर आप पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेंगे, डिफरेंट सिटी ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया. एक सिटी के अंदर है तो आपने उसको सिटी में डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, और देन आपने उस ब्लॉक से उधर से आपने जो है रैंडमली डाटा कलेक्ट कर लिया. आपने जो है एक किसी जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे आपने डाटा लेना है, तो आपने इस कम्युनिटी में आपने उस कम्युनिटी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, और देन उधर से आपने रैंडमली जो है डाटा पिक कर लिया. दैट इज अ क्लस्टर सैंपलिंग. सिस्टमैटिक सैंपलिंग. सिस्टमैटिक सैंपलिंग में आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी नंबर, और ईच नंबर वो आप जो है उधर से वो वाला सैंपल जो है सिलेक्ट करते जाते हैं. जैसे कि आपने जो पहला जो नंबर है वो आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, एंड देन आप कहते हैं कि उसके अगले जो है नेक्स्ट जो है सैंपल जो है वो वही नंबर सेलेक्ट करूँगा. उसको आपने कह दिया कि एवरी थर्ड जो आपका जो है ना एवरी थर्ड सैंपल विल बी कलेक्टेड, एवरी थर्ड इंडिविजुअल विल बी जो है ना सैंपल विल बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच थर्ड इंडिविजुअल. तो आप कोई भी एक नंबर ले लेते हैं और उस उधर से उस जो है आप जो है उधर से आप डाटा जो है सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. मिसाल के तौर पे आप जो है वो जो नंबर रैंडम सिलेक्ट है वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं. आप 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर हर चौथे बंदे से आपने डाटा जाके लेने हैं, हर 5वें बंदे से आपने जाके डाटा लेने हैं, या फिर आप एक और भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक जो डाटा जो है इस तरह उसको आपने 1000 लोगों का डाटा लेना है, ठीक है. आप कहते हैं 1000 लोगों का, तो आपकी जो पॉपुलेशन 1000 है
अब उसने उसमें से 200 का डाटा लेना है, तो आप 1000 को 200 डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 5। तो आप क्या करेंगे, आप हर पांचवें बंदे से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते। पहला जो नंबर है वो आप रैंडमली ले लेंगे, कोई भी सपोज आपने इधर से डाटा ले लिया, उसके बाद हर पांचवें बंदे का डाटा आपने देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पांचवें बंदे, उसके बाद आपने इसका डाटा लिया, उसके बाद अगले पांचवें बंदे का आपने जो है, यहाँ पे एक बंदा है आपका और यहाँ पे एक, तो आपने इस बंदे का डाटा लिया। तो आपने कोई नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब आप उस नंबर से जाते उस पर्सन से जाके आपने डाटा लिया, आपने एक जो है एरिया है, आपने उस कॉलोनी है उसमें आपने डाटा लेना है, तो उसके जो है आप जाएंगे, उसके आप रिजर्व कर लेते हैं कि हमने इस कॉलोनी के अंदर जो है 100 घर। तो आप क्या करेंगे, हर एक रो में एक हर पांचवें घर से जाके डाटा लेना शुरू कर। तो इस तरह आप कर सकते हैं, दैट इज अ सिस्टमेटिक सेटिंग, कि आप पहले कोई नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आप उस तरीके से आप लोगों से डाटा लेना शुरू कर देते हैं, दैट इज द सिस्टमेटिक सेटिंग। कन्वीनियंट सैंपलिंग, ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, अभी हमने ये टाइप्स डिस्कस किए, हमने जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिस्कस किया है, वी डिस्कस अबाउट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, वी डिस्कस अबाउट क्लस्टर सैंपलिंग, एंड देन वी डिस्कस अबाउट सिस्टमैटिक सैंपलिंग, हमने चार टाइप्स डिस्कस किए। तो ये साइज टाइप्स जो थी वो रैंडम सैंपलिंग, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो उसमें सबसे पहले आता है कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट सैंपलिंग में आप वो वाला सैंपल लेते हैं जो आपको आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आप जो है इजीली जो है आपके लिए आसानी हो डाटा कलेक्ट करने में। एक रिसर्चर जो आप अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्चर के लिए जो आसानी होती है जो उसके साथ आस पास होता है डाटा, वो बस उधर से डाटा जो है कलेक्ट कर लेता है। तो दैट इज अ रैंडम सैंपलिंग। जैसे कि अगर आपने इनको कहा जाए कि आपने एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की से डाटा लेना है, उनका जो है उसको डाइट्री हिस्ट्री लेनी है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी और हॉस्पिटल में नहीं हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, आप जो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही तो आपको अपनी क्लास फेलो से ले जाएंगे डाटा, अपने जो आपको बाहर जो लोग भी लेंगे उससे डाटा ले लेंगे, क्योंकि आपको इजीली आप डाटा सेट कर लें, दैट इज द कन्वीनियंस। कोटा सैंपलिंग के अंदर जो है दैट इज अ टाइप ऑफ कन्वीनियंट सैंपलिंग, इसके अंदर दैट इज डिपेंडिंग ऑन द रिसर्चर जजमेंट, कि आप जो है रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर जो है इसको डिवाइड कर देगा इनटू आप जो है कोटा डिवाइड कर देगा, जैसे कि मेल और फीमेल से रिसर्चर करेगा कि मैंने जो है इधर से जो है ये 5 मेल ले लेने हैं और 5 फीमेल ले लेने हैं अपनी सोसाइटी, ये जो है मेरी जो पॉपुलेशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। या फिर आपको रिसर्चर कहता है कि कोई आगे कहता है कि हमें 5 क्लास से 5 स्टूडेंट्स चाहिए, टीचर जो है अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स उठा के दे देगा। ठीक है, सो दैट इज अ कोटा सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग में ऐसे है कि दैट इज इट इन्वॉल्व्स कुछ क्या क्वेश्चन हो रहा है, वाई डिवाइड बाई 200। ओके, हम इस चीज को रिपीट कर लेते हैं, अभी हमने इसको 200 से डिवाइड क्यों किया, हम ये डिस्कस कर रहे हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग में आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और उधर से आपने जैसे कि आपके पास जो है 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, 1000 में से आपने
हजार में से आपने क्या करना है, 200 का डाटा लेना है। तो आप क्या करेंगे, आपने कोई भी नंबर, आपने करेंगे हजार को 200 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर जो आया वो आया 5। तो आप हर पांचवें बंदे से जो है ना वो डाटा लेना शुरू कर देंगे। तो लाजमी नहीं कि आप यही मेथड आपने वो कह रहे थे हम जो है हर तीसरे बंदे से जो है ना वो डाटा लेंगे, ठीक है। तो आपने हर दूसरे बंदे से जाके वो डाटा, पहला जो नंबर है वो रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हर तीसरे बंदे से आपने डाटा लेना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज द इसलिए सिस्टमेटिक सैंपलिंग, कि आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हर उस बंदे से जो है ना वो डाटा आप लेना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज द सिस्टमेटिक सैंपलिंग। एक और है कि कोटा सैंपलिंग की आपने बात की, कोटा सैंपलिंग को रिपीट करते हैं तो हम इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्चर, जैसे हमने उसके अंदर हमने रिसर्च किया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को। सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हमने क्या किया था, अगर हम बात करें ये देखें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, तो आपने क्या किया, ग्रुप्स को आपने जो है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की चुने बेस पे डिवाइड कर दिया लोगों को और देन उधर से रैंडमली पिक कर लिया। अभी उसमें इसमें डिफरेंस ये है कोटा सैंपलिंग में, कोटा में भी आप ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, बट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम उस ग्रुप्स में से रैंडमली पिक कर रहे थे लोगों को, लेकिन उसमें हम रैंडमली पिक कर नहीं रहे, वो रिसर्चर के बेस पे होता है, रिसर्चर किसको चाहे वहां से पिक कर रहे हैं, रिसर्चर जिसको चाहेगी ये जो है सैंपल मेरी रिसर्च के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा उसको पिक कर। तो कोटा सैंपलिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड, इज आल्सो लिंक टू स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, बट स्ट्रेटिफाइड में क्या है कि आप डाटा रैंडमली पिक कर रहे हैं, वही कोटा सैंपलिंग में आप डाटा रैंडमली पिक नहीं कर रहे, आप दैट इज डिपेंडिंग ऑन रिसर्चर, रिसर्चर जो है चाहे कि उसको जो लगे कि ये जो है कि मेरी रिसर्च के लिए ज्यादा सूटेबल होगा उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा, तो अगर फिर भी अब इश्यू है तो हम इसको रिपीट करेंगे एट एंड ऑफ द लेक्चर, आई विल गिव यू चांस टू आस्क क्वेश्चंस, तो हमारे पास टाइम हो जाएगा। ओके, अभी जो है हमारा ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, हमारे पास इवन 1-2 मिनट है, उसके बाद मैं आपको अगेन मीटिंग दे दूंगा। Meeting ID I will send to student Ramsha Ajmal or two other students. So आप सब जो है सर को सर्कुलेट कर दीजिएगा कि हमारे टीम ग्रुप जो है वर्क नहीं कर रहा, तो ताकि हम दोबारा से ज्वाइन कर सकें क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, स्नोबॉल्स स्नोबॉल्स सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग में इट एक्ट इन द मोस्ट, आप जो है इट इन मोस्ट यूजिंग members of group of interest to identify other members of group. जैसे कि आप जो है आपने सैंपल लेना है, आप किसी एक बंदे के पास जाएंगे, उसे डाटा लिया, फिर आप उस बंदे से पूछते हैं कि आप किसी और को जानते हैं जो मुझे यही डाटा दे दें, आप उस बंदे के पास कौन जाते हैं, फिर आप उससे पूछते हैं कि आप किसी और को जानते हैं कि हमें मुझे यही इंफॉर्मेशन दे दें, फिर आप उसके पास पहुँच जाते हैं। तो इस तरह आप मूव ऑन करते जाते हैं, इसको बोलते हैं स्नो बॉल सैंपलिंग। जैसे कि इट्स लाइक कि आप जो अगर जो है स्नो बॉल, इसलिए इसको कहा गया कि अगर आप वहां से ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सो आई विल फाइंड अ वे दैट ओ आई कैन आइडेंटिफाई द पर्सन इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई विल फाइंड इट। Okay, we'll discuss about snowball sampling in the next meeting. Okay? Abhi kyunki lesson 1